बाहर देखिए कितनी ठंड है यार। तो अभी चलता हूँ चाय बना, जा चुके हैं तो चाय बनाने के लिए। चाय का कलर देखो यार, जितना साफ मैं हूँ उतना साफ चाय बनाइए। शायरी ऐसी है कि मेरे जज्बातों में भी सो रहे हैं, बुरी हालत हो गई यार, इतनी मिर्ची। ओ आप बोनफायर देखिए यहाँ पर अभी बनी हुई है, रोडो टेन। हाँ जी मामा, क्या हाल चाल? नेक्स्ट वीक भाभी ने आना है। भाभी ने फाइनली, अब टाइम हो चुके हैं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। 12 बज चुके हैं। नहीं, छोटा है और होगी। आज मैं समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। हम फाइनली शादर शरीफ पहुँच चुके हैं। सुनने शादर शरीफ देगा, फाइनली हमने रूम ले लिया आकर ले। मॉर्निंग गाइस, अभी रेडी हो तो फिर चलते हैं। देखिए वहाँ पर भी लोग हैं और वहाँ पर भी हैं। अच्छा यार, हम भी आ गए, हमें मौका मिला। और ये पे देखिए यहाँ पर लोग बैठते हैं। हम पहुँच चुके हैं घर। बाहर देखिए कितनी ठंड है यार, मन नहीं करता। उस तरफ धूप निकल गया, पता नहीं वो देखिए। तो ये डाइनिंग एरिया, यहाँ पर किचन वगैरह है अंदर। अभी मैं गया था नीचे मार्केट, सामान वगैरह लाना था। चाचू कहते हैं चाय बनानी है, दूध वगैरह लिया, पत्ती वगैरह लिया, वो सब लेकर आया हूँ, चाय का जितना सामान होता है, और राइस वगैरह, दाल वगैरह। घर वालों के लिए हमने तो चिकन लाया, हम वो खाएँगे, जो वेज है उनके लिए वो। तो अभी चलता हूँ चाय बना, चाह चुके हैं तो चाय बना लें इनके लिए, मैं चाय बनाता हूँ। और इतनी ठंड है, किसमें बाहर जाने का मन नहीं करता। वो यहाँ पर चल रही है कटिंग प्याज की और अदरक वगैरह, जो भी अदरक नहीं, सारी लहसुन वगैरह, काली कालू और विजय भैया। और मैं और विकास भी अभी कितने सामान लेने, चाय बनाएंगे। चाय का सामान आ गया यहाँ पर, ये दूध, चीनी, पत्ती, अदरक, और यहाँ पर मैं बनाऊंगा चाय। चाय बनाते हैं, उसके बाद सबको देंगे उधर पीने के लिए। तो चाय देखिए, जो चाय है वो मैंने बना दी है। वहाँ पर कृष भाई जो है वो चिकन साफ कर रहे हैं। उदय भाई यहाँ पर बस बैठ के देख रहे हैं शक्ल सबकी। भाई क्या करें, कुछ काम से तो कर लिए, काम कर लिए ना, बस जो काम हो जाता है तब आते हैं। चाय देखिए कितनी सही लग रही है, कलर काफी अच्छा है, अब टेस्ट करेंगे इसमें। चलो भाई विजय भैया डालो चाय। आए हाय हाय, इस ठंड में ये चाय मिल गई है तो और क्या चाहिए। क्या विजय भैया है ना, चाय का कलर देखो यार, जितना साफ मैं हूँ उतना साफ चाय बनाइए। अच्छा मजाक कर लेते हो। कर्मी भी आ चुकी है यहाँ पर। भैया आज मैंने बनाई है चाय, पी के बताओ कैसी बनी है। इस ठंड में आपको चाय दी है, पियो बताओ। पियो ना, डन नॉर्मल रिएक्शन। नहीं नहीं, आप रिएक्शन सुनना चाहते हो, मैंने अभी एक सिप ली है। अच्छा अच्छा, अब बताइए। देखिए ये जो चाय है बहुत ज़बरदस्त चाय है, इसके अंदर आपको एक एनर्जेटिक फील आएगी और एनर्जी मिलेगी, खासकर इस मौसम के अंदर जो बाहर इतनी सर्दी है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि तरुण जी को कि एक वो चाय का स्टॉल भी साथ में रखेंगे। अगली बार से अपने सब्सक्राइबर्स को चाय भी पिलाएं साथ साथ। अगली बार से करते हैं कुछ। बाकी भैया ने आज कल कराया था केराटिन, जिस वजह से इनके बाल देखे थोड़े अलग लग रहे हैं, स्मूथ सिल्की नाइस। थैंक यू। तो भैया को चाय कुछ ज़्यादा अच्छी लगी, भैया कहते हैं तेरी चाय के ऊपर एक शायरी हो जाए। सुनो। सो शायरी ऐसी है कि मेरे जज्बातों को सिला दो। अच्छा। कभी घर बुला के चाय पिला दो। आए है, क्या बात है। बाहर देखिए कितनी हवा चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तूफान चल रहा है, और इसके साथ ये चाय का मज़ा ना काफ़ी अलग है। अभी मैंने ये देखिए मम्मा को, देखो मम्मा पूरे पैक हुए हैं यहाँ पर, मम्मा क्या कर रहे हो। वो देखिए सारे चाची वहाँ पर, विराट तो वहाँ टीवी पर आ गया। तो कैसी लगी आपको चाय? अच्छी थी ना, देखा पहली बार नहीं, मेरे काम होते ढंग के, तेरे से तो अच्छी बनाता हूँ ना, तू लड़की है, तेरे को चाय बनानी नहीं आती, और मैं तेरे से अच्छी चाय बनाता हूँ। क्लासेस लेना मेरे से आके यार। हम सबके साथ ना बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। एक्चुअली हमें पता नहीं था कि हमने आकर डीके जी पे स्टे करना है, स्टाई करेंगे। हमें नहीं पता था कि मतलब हमने हमें नहीं पता था हमने यहाँ पे रुकना है, तो उस वजह से ये भी स्विच ऑफ है, वो भी स्विच ऑफ है, मेरा जिससे मैं मेन मेरा फोन है वो भी स्विच ऑफ है, दूसरा एंड्रॉइड भी स्विच ऑफ है, ये कर्मिया का फोन है, इसमें थोड़ी सी बैटरी है, रिया का फोन भी स्विच ऑफ है, मम्मा का भी स्विच ऑफ है, चाची का भी स्विच ऑफ है, भाभी का ऑन है, चाचू का ऑन है, और क्रिश का ऑन है, ये तीन फोन ऑन है सिर्फ। एमरजेंसी पड़ेगी पक्का। हमारे साथ पोपट हो गया ना एक्चुअली, देखिए हमें पता नहीं था हमें रुकना है क्या करना है। तो अभी बस देखते हैं किस तरीके से चार्ज हो रहे हैं, चार्जर एक है, फोन कितने सारे हैं, तो टर्न वाइज टर्न थोड़े थोड़े चार्जर एक फोन अनेक।
पहले एंड्रॉइड चार्ज कर लो अपना। तेरे पास जैसा आईफोन का ढेर लगा हुआ है। इतना स्टार्ज है मैं तो सबसे पहले अपना एंड्रॉइड चार्ज करूंगा। मेरे पास दो फोन है, एक आईफोन 13 और ये नहीं है। सो गाइस अभी हम देख रहे हैं KGF 2 और यहाँ पे अर्जुन भैया सो रहे हैं और यहाँ पे अर्जुन भाई हैं, विराट भाई। तो अभी चिकन बन रहा है, तो हम KGF 2 देखते हैं, मिलते हैं आपको। तो मैं ना वेट खाने का वेट करते करते सो गया था थोड़ी देर। अभी अभी देखिए थोड़ा सा ये चिकन आया और इसमें काफी ज्यादा मिर्ची है, बुरी हालत हो गई यार, इतनी मिर्ची। ओहो, अभी फिलहाल यहाँ पर हमने जला लिया आग और बैठे हैं यहाँ पर। देखिए कितना अच्छा माहौल है इस टाइम, बोन फायर देखिए यहाँ पर अभी बनी हुई है। डिनर देसी में कहेंगे तो आग का चूल्हा। हाँ, डिनर वगैरह हो गया हमारा, अभी हम यहाँ बैठे थे क्योंकि ठंड काफी ज्यादा हो चुकी थी तो इसकी काफी जरूरत थी। अभी दिन के टाइम गर्मी थी लेकिन इस टाइम जो है इसकी जरूरत यहाँ पर थी। यहाँ पे इतनी सर्दी है ना, मैं बता नहीं सकता, यकीन मानो राजौरी और यहाँ बहुत फर्क है। और मुझे लगता है कि आज जो जितने हमारे परिवार ने एंजॉय किया ना, सब खुश होंगे। हाँ, क्योंकि आए भी हम काफी टाइम बाद बाहर थे ना, और ट्रिप भी काफी काफी अच्छा रहा। अभी डिनर वगैरह हो गया सारे अंदर हट में, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टे शायद हम शादर शरीफ पर करें, चाचू के फ्रेंड है उनके होटल है वहाँ पर, क्योंकि लेट हो गए, रास्ता थोड़ा खराब है। हाँ, डाक बंगलो भी है तो कहीं पर भी स्टे कर लेंगे। ये हट देखिए रात के टाइम कितने सही लगते हैं, ऐसे बने हुए ना रजौरी में, मतलब फिर कितना मजा है, बंदा रात को भी जाके स्टे करे। यहाँ पर है लेकिन थोड़ा साइड पर ना इलाका, क्या लिखा हुआ, रोडोडेंड्रोन हट, पता नहीं क्या है। हाँ जी मम्मा, क्या हाल चाल, खाना खा रहे हो? बाकी कहाँ के भाभी और? अच्छा अच्छा उधर है। तो अभी यहाँ पर ये सब फोटोज वगैरह लेते। रिया जी डिनर हो गया आपका? मानसी जी आपका डिनर हो गया? भाभी जी आपका मजा आया आपको आज? नेक्स्ट वीक भाभी ने आना है, भाभी ने कहा था मैं नेक्स्ट वीक फिर आऊंगी, ये तो भाभी आएंगे तो ये फिर आएंगे। कृष भाई आपका डिनर? मिर्ची काफी थी। फाइनली अब टाइम हो चुका है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, 12 बज चुके हैं, निकलते हैं, देखते हैं कहाँ रुकना। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा कल वाइव है, निकलते हैं, अब देखते हैं डिसाइड क्या होता है। क्या यार यहाँ से आपको दिख रहा हो या नहीं, लेकिन ये सामने व्यू बहुत सही लग रहे हैं। देखिए पता नहीं कौन सी सिटी है, बहुत बहुत प्यारे यहाँ पर, इतना सुरनकोट होगा ना, यहाँ से नहीं दिख रहा लेकिन बहुत प्यारा है, कैमरे में नहीं इतना दिख रहा लेकिन बहुत प्यारा व्यू है ये। चल भाई निकले, बोल भाई, चलो भाई, चलो भाई। आप बोलोगे तो जाएंगे, हम बोलेंगे तो चलेंगे। नहीं तो अभी नहीं जाना, हमें नहीं जाना, बस ठीक है, यही रुकेंगे। बंद कर, चल यार तेरी कौन सुन रहा है। मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं, नहीं। छोटा यार ऐसे मार देगा ये छोटा, जितनी मार छोटे से ये इतनी से किससे खाएंगे, ये छोटे भाई है मेरा, डरता है मेरे से कुछ। चलो अभी हम नॉर्मली घर जा रहे थे और अर्जुन ने बड़ी एक सही बात की, वापिस बोलो यार। आज मैं समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं यार। एक बजे हुए इस टाइम, दिन को गर्मी के मजे ले रहे हैं, शाम को ठंड के ले रहे हैं। और भाई हमें पता नहीं है कि हम, इतना हमें पता कि हमें घर नहीं जाना यार, और हमें कोई पता नहीं हम इस टाइम कहाँ जा रहे हैं। अभी फिलहाल 1:30 बजे का टाइम हो चुका है और हम फाइनली शादर शरीफ पहुंच चुके हैं, सामने आपको दरगाह दिख रही होगी। अभी हम आपको आगे ले चलते हैं, पहले हम गाड़ी के पार करते हैं या जहां हमने रूम लिया वहां पर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो यहां पर रूम लिया जो है, और यहां से देखिए सामने शादर शरीफ दरगाह रात के टाइम का, क्योंकि कितना चल गया, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर रात में। अब कल सुबह देखते हैं दर्शन करेंगे, यहाँ नीचे मार्केट है जो बंद है पूरी, सुबह ही सब दिखेगा। अर्जुन भाई इधर आओ यार, इधर आओ, उदय भाई आप भी इधर आओ यार। क्या फर्स्ट टाइम आपका नाइट व्यू यहाँ से ना? हाँ फर्स्ट टाइम नाइट व्यू है, काफ़ी अच्छा नाइट व्यू है। तो फिलहाल हमें लगता है कि हमें अंदर रूम में चलना चाहिए। चलो काफ़ी लेट हो गए, 2 बजने वाले हैं। हाँ बहुत लेट हो गई, चलो अब हम अंदर जल्दी सोते हैं। ओके चलो। फाइनली हमने रूम ले लिया, आकर ले
टाइम क्या हुआ यार, टाइम देखूँ पहले मैं। सुबह उठना भी है मैंने यार, कल मेरा वाइफ है डाई डाई हो चुके हैं। अनपढ़ वाइफ ये क्या बोल रहा है? देखिए अर्जुन भैया उदय, हमने लिए 6 रूम, सामने वाला चाचू का और 4 रूम उधर हैं। 6 रूम यार, एक्चुअली यहाँ पर रूम तो बड़ा है लेकिन बेड छोटा है। छोड़ दे उदय, बदतमीजी मत कर। क्या चॉकलेट? तो अभी हम सोते हैं, सुबह मिलते हैं आपको। मेरे फोन की बैटरी भी कम है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी गुड मॉर्निंग तो हो चुकी है, सुबह हो चुकी है। 5 बजे इनको उठाने की कोशिश करो, मेरा 5 बजे अलार्म बज गया था तो कौन हो गया। हाँ तब से मैं उठा रहा हूँ। देखिए डंड बड़ा हुआ, बाकी नीचे उदय भी ऊपर था, उदय भी नीचे से सोने लगा। उदय भाई उठना यार, इनको कहा मैंने हम नहा दो कि दर्शन करके निकलते हैं, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम भी है वाइवा देना पड़ेगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं 70%, 30% वाइवा जो ऑफलाइन देना पड़ता है, वो भी इनकी डेट इन्होंने इतनी लेट निकाली। एग्ज़ाम मेरा हुआ था 14 और आज 20 है, 20 को ये वाइवा देना मेरे को। देखना कैसे डेड पड़ा हुआ है। उठ भाई, कभी तैयार वगैरह होते हैं फिर मिलता हूँ आपको। मैं जो हूँ नहा कर भी आ गया हूँ, और ये दोनों पता क्या कर रहे हैं? अर्जुन में हो रहा है उदय तू उठ, ये बोल रहे तू उठ, वो बोल रहे मैं बाद में जाऊँगा, ये बोल रहा मैं बाद में जाऊँगा। मतलब एक दूसरे को बोल रहे कि तू उठ मैं जाऊँगा, तू उठ मैं जाऊँगा, खुद नहीं उठ रहे। मैं नहा कर भी आ चुका हूँ, अब रेडी होता हूँ तो फिर चलते हैं। इनको उठाओ ना पहले। उठ भाई, उठ उठ उठना अभी तक ये बंदे उठे हुए नहीं है। यहाँ से व्यू देखो, व्यू क्या मतलब, बैक साइड है ये, सामने शादरा है, यहाँ पार्किंग है पूरी, ऊपर पहाड़। बाल सुखा रहा था अपने। अभी मैं आया था होटल के ऊपर वाली लॉबी में, यहाँ से बाहर चला था वो व्यू दिखाने, यहाँ ताला लगा है, मैंने अभी ये खोली, यहाँ से क्रॉस होते हैं। पतले और लंबे बंदे का यही फायदा होता है। देखो वहाँ से कैसे निकल गया मैं, पूरे सामने शादरा से। ये रही शादरा मार्केट जो मैंने कहा था आपको सुबह दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल मैं और कालू हम नहा कर आकर यहाँ पर बैठ चुके हैं बाहर लॉबी में, बैठने की जगह मैंने, चलो यहाँ जाके बैठते हैं। अर्जुन भी अभी उठा नहीं है, उदय नहा रहा है, तो हमारा वैसे प्लान तो था नहीं यहाँ स्टे का, मतलब शादरा शरीफ आना और स्टे करना, अचानक बना तो रुके यहाँ भी। अब मेरा वाइवा था तो मुझे निकलना पड़ेगा, नहा लिए मैंने, रेडी हो चुका हूँ, बस उदय और अर्जुन देख लें फिर हम मत्था टेक कर निकल जाएंगे यहाँ से, बाकी आएंगे घर वाले आराम से। मैंने उनको कह दिया आप आराम से आना, मेरे पीछे आप नहीं जल्दी आना, तो निकलेंगे फिर हम ऐसे। करो भाई क्या हाल है, मज़ा आया? इसने मज़ा ले लिया। अभी सुबह 7:30 का टाइम हो चुका है, और देखिए वहाँ पर भी लोग हैं और वहाँ पर भी हैं, लोगों ने मत्था टेक लिया, काफ़ी लोग मत्था टेक रहे हैं अभी, अभी आ रहे हैं और जा रहे हैं। मतलब सुबह 7:30 के टाइम में भी सुबह सुबह कितने लोग हैं, ये काफ़ी मानी हुई दरगाह है, जानी मानी, सबको पता ही है। अच्छा यार हम भी आ गए, हमें मौका मिला। हाँ जी, तो फिलहाल शुक्र है ये दोनों भी रेडी हुए नहा कर, और ये दोनों तो मेरे साथ हो गए थे जल्दी जल्दी। अभी चलते हैं हम मत्था टेक रहे हैं। क्या अर्जुन भाई? हाँ जी भैया। कितनी देर बाद आए यहाँ पर? चलो भाई प्लान नहीं था तो क्या कर सकते हैं, अचानक हमारा प्लान बना तो आ गए। बाकी कपड़ों में देख सकते हैं आप, हालत ख़राब है क्योंकि हमें कल पता नहीं था कि हमने यहाँ रुकना है या क्या, तो उस वजह से हमने कल इंजॉयमेंट काफ़ी किया तो उसमें कपड़े भी हमारे गंदे हो गए। शूज़ उतार लिए हमने, अब चलते हैं मत्था टेकने।
तो मत्था वगैरह टेक लिया हमने, वहाँ पर नीचे है कि ये पेड़ और एक ये पेड़, देखिए यहाँ पर लोग बैठते हैं। इससे पता क्या था कि नीचे बैठे हैं, अगर ऊपर से संतरा गिरे ना तो कहते हैं कि आशीर्वाद मिलता है, तो इसके लिए ना काफ़ी देर यहाँ पर लोग नीचे बैठे रहते हैं। देखिए वहाँ पर बैठे नीचे वाले पेड़ पर भी बैठे, वो मत्था टेक कर आगे निकल गए, मैं भी निकलता हूँ, फिर हम निकलते हैं रजौरी के लिए, घर वाले आ जाएंगे बाद में। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, ठीक है उदय, हम पहुंच चुके हैं घर। अब मैं गया हूँ निकलूँ कॉलेज के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है 9:20, निकलते हैं हम कॉलेज। क्या कह रहे हैं पता नहीं, ये ले, हाँ ये ले जाए, दे देना उनको, सस्ता फॉरनर। अब मैं रेडी होकर मिलता हूँ आपको। तो अभी फिलहाल मैं रेडी होकर आ चुका हूँ कॉलेज के लिए, अब मैं चला कॉलेज, वाइवा वगैरह देख कर आऊँ, और इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं। होप करता हूँ आपके व्लॉग अच्छा लगा, अगर व्लॉग अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।